ये दिख रहा है आपको। तो हम सब्जेक्ट वाइज बता रहे हैं, पहला है आपका हिस्ट्री में है, हिस्ट्री में आपको तीनों पढ़ने हैं, अगर तीन सब्जेक्ट आपके पोर्शन है हिस्ट्री में, हिस्ट्री में आपके तीन पोर्शन कौन कौन से हैं, एक एंशियन है, एक मिडेवल है, दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री है, ये तीन आपके पास हैं, ठीक है, MIH। अब मेरा जो प्रेफरेंस है, मैं बुक आपको तीनों बता दूंगा, लेकिन मेरा जो प्रेफरेंस है पढ़ने का तरीका है, अगर मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा तो फर्स्ट पे इसको पढ़ूंगा, सेकंड पे इसको पढ़ूंगा, तीसरे पे इसको पढ़ भी सकता हूँ, नहीं भी पढ़ सकता हूँ। तो जब मैं डाट बनाता हूँ इसका मतलब ये कि मैं पढ़ भी सकता हूँ, नहीं भी पढ़ सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे समय है, अभी काफ़ी पर्याप्त समय है तो पढ़ लूँगा, लास्ट समय में रिविजन का अगर मिलेगा तो मिलेगा, नहीं छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे माइंड में कब सेट है कि एक दो क्वेश्चन इससे आने हैं मिडवेल से, तो हम छोड़ देंगे, कोई हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पढ़ना भी है तो हम वो बुक पढ़ेंगे जिससे हम कम समय में अच्छा गेन कर ले जाएं। तो एंशियंट के लिए जो हमारी एकमात्र बुक है वो है आर एस शर्मा, वो क्लास 11 की एनसीईआरटी है, ये आपको दिख रहा है, ठीक। तो मैंने बुक की फिगर इसीलिए लगवा दिए हैं कि कन्फ्यूजन ना हो, अगर आप परचेज भी करें तो कन्फ्यूजन आपको ना हो। हालांकि ये बुक हमने टेलीग्राम पर डाल भी रखा है पूरी, तो ये हम आप इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हुए आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बेहतरीन बुक है, हमारा सब कुछ कवर कर दे रही है। बाकी जो कुछ चीज़ें आपकी फैक्ट छूटती हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी या दुनिया की कोई बुक आपके पूरे एग्जाम को कंप्लीट नहीं कर सकती। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कहीं से सुराना पड़ेगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके रेंज से बाहर रहेंगी, लेकिन मैक्सिमम 90-95% चीज़ें यहाँ से ये कवर कर ले जाती हैं। बाकी जो फैक्ट बेस्ड चीज़ें बनती हैं उनके लिए हमने आपको बताया है, बस एक ही स्रोत है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्लियर है। क्योंकि तिलक के मृत को कंधा किसने दिया, ये आपको वहीं से मिल सकता है, ये यहाँ से नहीं मिल सकता, किसी बुक में नहीं मिल सकता। तो आप इसको याद रखना कि आपको इस बुक को अच्छे से कवर करना है, और क्योंकि ये बुक आपको केवल मैं एंशियंट के लिए प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, इस बुक के साथ आप आर्ट एंड कल्चर भी कंप्लीट कर रहे होंगे, क्लियर है ना। तो इस बुक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, और ये बुक मेंस में भी, मेंस में एंशियंट इंडिया नहीं है, लेकिन मेंस में आर्ट एंड कल्चर है, जिसमें स्थापत्य कला भी आती है, स्थापत्य कला में आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है, और मंदिर निर्माण की पूरी शैलियाँ भी हैं, भक्ति मूवमेंट भी है, ये सारी चीज़ सांग दर्शन भी है, और संगम युग भी आपका कल्चर में आता है, वो सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा, क्लियर है ना। तो इन सेगमेंटों के जो बुक्स हैं उनको आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, फैक्ट के लिए आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से कलेक्शन करेंगे जो आपको यहाँ नहीं मिल रहे हैं, क्लियर है, उसका आप कलेक्शन करेंगे। ये है मिडेवल इंडिया, ठीक है ना, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये भी क्लास 11th की एनसीईआरटी है, नाम है सतीश चंद्रा, राइटर जरूर देखना है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का कॉपी भी कई लोग मार्केट में प्रेजेंट करते हैं दूसरे नाम से, ठीक है ना। तो ये बुक है, ये आपको मिडवेल में काम करेगी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके कुछ सेगमेंट ये हैं जो आपको मेंस में काम करेंगे और प्री में काम करेंगे कल्चर के रूप में। जब भी आप इस बुक को पढ़िए तो इस बुक को पढ़ते समय ध्यान रखें कि आपको मिडवेल का फैक्ट तो यहाँ से निकालना ही निकालना है, लेकिन इस बुक के जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं उनको अच्छे तरीके से हमको कवर करना है, क्योंकि यहाँ से प्री में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो इस बुक को पढ़ते समय आपको इस बात को दिमाग में रखना है कि हमें मिडवेल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, मिडवेल के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट याद रखना है, इसका जो कल्चरल एस्पेक्ट्स है उस पर हमें अच्छे से काम करने हैं, उसको अच्छे से यहाँ पढ़ना है। तीसरी बुक हम आपको बता रहे हैं कि सबसे बेहतरीन बुक है मॉडर्न इंडिया पे, ये बिपिन चंद्रा की है, ठीक है, ये भी क्लास 12th की एनसीईआरटी है, आप इसको कवर देखिए मॉडर्न इंडिया, ये अपने आप में सफिशियंट बुक है, ठीक है, प्री कम मेंस को लेकर के। और ये कई बार अगर आपको एनसीईआरटी नहीं मिलती है तो ये अलग से भी ऑक्सफोर्ड के थ्रू लिखी जाती है। बस मॉडर्न इंडिया में मैं एक बुक आपको पढ़ने के लिए और कहूँगा, आप चाहे बुक पढ़िए और चाहे अपना जो भूमि IAS का नोट्स है उसको भी अगर आप पढ़ते हैं तो आपको दूसरी बुक जो मैं बताऊंगा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दूसरी बुक जो है उसके कई कॉन्सेप्ट या ऐसे कई बुकों के कॉन्सेप्ट को मिला करके जो आपकी मॉडर्न इंडिया बुक लिखी गई है ना भूमि IAS की, वो सफिशियंट है आपके मॉडर्न इंडिया कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि उसमें हर एक मूवमेंट पर छोटे छोटे हमने काम किया हुआ है, क्लियर है ना, आप उसको पढ़ सकते हैं। बिपिन चंद्रा आप टेलीग्राम से ले लीजिए या आप परचेज कर सकते हैं, परचेज करके पढ़िए, बस इस बुक को बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें
कंडीशंस या कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाए गए हैं। इसके अलावा जो दूसरी बुक हमारी है, इसके लिए मैं पढ़ता हूँ, वो है बीएल ग्रोवर। अगर आपने देखा होगा, ये मॉडर्न इंडिया की जो दूसरी बुक मैं प्रेफर करता हूँ वो बीएल ग्रोवर। ऐसी बुक आती है, यही बुक का है, बीएल ग्रोवर लिखा होगा, एस चांद पब्लिकेशन से पब्लिश होती है, ठीक है। ये आपके पास अगर होगी एडिशन, आप नया देख लेना। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि ये प्री को काफ़ी हद तक ध्यान में रखती है और प्री के पॉइंट को लेकर के बहुत अच्छा कवर करती है, और प्री को कवर करते समय ये इस बात को मेंशन करती है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्री में आपको सारी चीज़ फैक्ट लगने लगे और आपका कॉन्सेप्ट जो है डाइल्यूट हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट को बना करके फैक्ट पे काम करने वाली बुक है, मेरे लिए अच्छी बुक रही है, ठीक। मेरे यहाँ से लगभग सारे कॉन्सेप्ट हो जाया करते हैं, लेकिन इसकी भी अपनी एक ड्रॉबैक है कि बहुत कुछ चीज़ों पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करती है। तो इसी के सब्स्टिट्यूट के रूप में हमने जो अभी आपको बताया कि आप जो हमारा मटेरियल भूमि आई एस का वहाँ का जो आपका बुकलेट मिलेगी मॉडर्न इंडिया की, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सीधे एनसीईआरटी से उस पर भी जंप कर सकते हैं अपनी बुक को पढ़ने के लिए। आप भूमि आई एस के जितने भी मटेरियल्स हैं जिस सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट की जितना हमने आपको दिया है किसी भी सब्जेक्ट की, उसको अगर आप अच्छे से कवर करते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि प्रिय का कोई सेगमेंट आपका छूट जाएगा। आर्ट एंड कल्चर की बुक अगर आप देखेंगे तो उसमें भी हमने बहुत अच्छे से काम करवाया हुआ है, तो आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो दूसरी बुक हमारी ये रही। तो हिस्ट्री में आपके पास तीन बुकें रहीं, क्लियर है ना? तीन का मतलब पहली बुक आपकी रही आर एस शर्मा, दूसरी मिडेवल के लिए आपकी बुक रही सतीश चंद्रा, मॉडर्न के लिए आपने दो बुक देख लिया, एक तो बिपिन चंद्रा का और एक बीएल ग्रोवर का, ठीक है ना? बाकी आपके पास अपना मटेरियल तो ही है। अब आ जाओ पॉलिटी में। पॉलिटी में आपको यहाँ लगभग एक ही बुक हमने यहाँ पब्लिश किया हुआ है, एक बुक मैं वो आपको बताऊँगा क्योंकि वो जो है ओल्ड एनसीईआरटी है, वो आपको नेट पर नहीं, इसलिए मैं उसकी फ़ोटो आपको बता नहीं सकता। तो मैं आपके लिए पब्लिश कर दूंगा, दो बुक और है हमारे पास। तो पॉलिटी के लिए तो आप एक ये बुक देख सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये बहुत बेहतरीन बुक है। आपको पूरा इस बुक का एक चैप्टर, उसमें पहला ही लाइन लिखा हुआ है संविधानवाद क्या है, इस बुक के एक चैप्टर में। और आप जा के देखना, प्री में दो बार पूछा है संविधानवाद क्या है, और इस बार क्या पूछा था, संवैधानिक सरकार क्या है। ये सब आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये एनसीईआरटी की है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक है। ये आपको अच्छे तरीके से कवर करनी है, इससे आपके पॉलिटिकल सेगमेंट का थ्योरेटिकल पोर्शन और ट्रांजिशन फेज का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरी इसके साथ जो बुक है, एक दो मैं बताता हूँ। इसके लिए हमने एक बुक और आपको बोली है कि जो डीडी बसु का इन्होंने वर्जन बनाया है, वो ब्रजकिशोर शर्मा, बीके शर्मा है ना, ब्रजकिशोर शर्मा। तो ब्रजकिशोर शर्मा जी की बुक है, उसको भी आप लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो भी अच्छी बुक है। दूसरी जो छोटी छोटी बहुत पतली सी एनसीईआरटी हैं, अगर आप देखेंगे तो क्लास ओल्ड एनसीईआरटी है फिलहाल, ये क्लास 7th की हैं, हाउ वी गवर्न आवर सेल्फ, हम अपना शासन कैसे करते हैं। इस बुक को अगर आप देखते हैं तो इस बुक में पंचायती राज सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। हमें लगता है कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पंचायती राज सिस्टम इसमें जितने से अच्छे से कवर किया गया है शायद ही किसी बुक में कवर किया गया होगा। तो ये बुक बहुत पतली सी है, इसको आप पढ़ते भी हैं तो आपको बहुत मजा आएगा और आपकी चीज़ें प्री की कई चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। तो एक ये बुक, दूसरी ये बुक आप मिला लीजिए और आप करंट आप पढ़ेंगे ही, बाकी बी के शर्मा को आप अपने साथ सब्जेक्ट में ले सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी किस बुक से आप परिचित होंगे ही होंगे, है या नहीं, परिचित है ना? इस बुक के अलावा एक बुक और है, इसमें साथ भी आगे पढ़ेगा, क्लास 7th या 9th की, देख लेना। एक ये बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये क्लास 12th क्लास 11th की एनसीईआरटी है, ठीक है ना? और मैं मेरे शब्दों में अगर कहा जाए तो मुझे लगता है कि ये रामबाण है ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि इस बुक में जितने अच्छे से आपको ओशियानिक सिस्टम समझाया गया है, इस बुक में जितने अच्छे से आपको रिवर सिस्टम समझाया गया है, इस बुक में जितने अच्छे सिस्टम से आपको ओरिजिन ऑफ अर्थ समझाया गया है, मुझे नहीं लगता कि कोई टीचर या कोई अदर बुक इससे बियॉन्ड जाकर काम की होंगी। बड़ी बड़ी बुकों में भी आपको इसी बुक का फिगर दिखाई पड़ेगा, इसके आपके कॉन्सेप्ट दिखाई पड़ेंगे। दूसरा ये है जो बोल रहे थे ना अभी, इंडस्ट्रीज और सेगमेंट, वो इस बुक से कवर हो जाएगी, ठीक है। इस बुक को बहुत रफली पढ़ना होता है, बहुत डीप नहीं पढ़ना आपको इस बुक को कि पूरा एक चैप्टर पढ़ने लगे। इस बुक से आपको पढ़ते समय ध्यान रखना है, इस बुक का नाम है इंडियन पीपल एंड
इकोनॉमी क्लास ट्वेल्थ के एनसीईआरटी, इस बुक को पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कि यहाँ से आपको दो चीज़ें केवल निकालनी है, एक कॉन्सेप्ट और दूसरा फैक्ट। कॉन्सेप्ट पूरा निकालना है, फैक्ट केवल ट्रेडिशनल निकालना है, बाकी इसके डाटाज को आपको नहीं एंट्री करना है क्योंकि डाटा को आपको इसके अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, डाटा को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। बाकी कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझा देंगी कि इंडस्ट्री कौन खोल सकता है, इंडस्ट्री के लिए क्या नॉर्म्स हैं, इसमें पूरा आपको अर्बनाइजेशन समझा देंगे, नगरीकरण क्या होता है, कैसे बस्तियां बनती हैं, गोल बस्ती कैसे बनेगी, चौकोर कैसे बनेगी, नदी किनारे कौन सी बनेगी। ठीक है, और जितना भी एग्रीकल्चरल सेगमेंट है रिसोर्सेज को लेके, वो आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे। तो वो सब कुछ आपको कॉन्सेप्ट दे देंगे जिसके बेस पे अगर आपको डाटा मिल गया तो आपके क्वेश्चन सेट होते चले जाएंगे। क्लियर है ना? तो दूसरी बुक आपको ये पढ़नी है। तो पहली वो हो गई, दूसरी बुक आपकी ये रही ज्योग्राफी के नाम पे। तीसरी जो मैं इसको सबसे पहले रखना चाह रहा था, मेरी सबसे फेवरेट बुक है अभी तक की ये। ठीक है, कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट वन, ये क्लास एट्थ की एनसीईआरटी है, ये क्लास एट्थ की एनसीईआरटी है। क्लास इलेवेंथ की एनसीईआरटी में आपको ओरिजिन ऑफ अर्थ समझाया गया है, इस बुक में इंडिया समझाया गया है। समझ गया ना? इस बुक में इंडिया समझाया गया है। इसकी तीन पार्ट हैं, हमें नहीं पढ़ना, इस पार्ट को केवल पढ़ना है। ठीक है ना? क्योंकि इस पार्ट में पूरे इंडिया को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। इस बुक में इंडिया का जितना भी फिजिकल ज्योग्राफी है इस बुक से आपको कवर हो जाएगा। हिमालय वाले इतना बेहतरीन एक्सप्लेन है इसमें ना, उसके डायग्राम देख करके आपको समझ लेंगे तो आपको अरेंजमेंट पूरा समझ में आ जाएगा। जो ज्योग्राफी में आपको दिया जाता है कौन से पर्वत श्रेणियां मिलाओ, हिमालय के रेंज मिलाओ, सब आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना? तो ये बहुत अच्छी बुक है, इसको आप ले सकते हैं। इसके बाद एक जब आप पढ़ लेंगे सारी चीज़ों को, तो जैसे जो क्लास ट्वेल्थ की बुक बताए हैं उससे आपको समरी निकाल लेनी है। ठीक है ना? इस बुक से आपको समरी निकाल लेनी है, बाकी रिविजन में रखनी है किस बुक को, तो क्लास इलेवंथ वाली को, और दूसरी बुक जो रखनी है वो ये, दूसरी बुक जो रखनी है उसको ये रखनी है। कितने लोगों ने जिसलिए अंक पढ़ा है, कोई बता सकता है हमें? इसकी खासियत क्या बता देगा कोई, क्या खासियत है? इस बुक की खासियत ये है कि क्लास सिक्स से लेकर के क्लास ट्वेल्थ की जो एनसीईआरटी है, उस एनसीईआरटी का ये कंपाइलेशन है। क्लास सिक्स से ट्वेल्थ की एनसीईआरटी की ये समरी बुक है, समझ रहे हैं? तो कई बार बच्चे इसी को डायरेक्ट उठा लेते हैं तो समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि इसने कंपाइल करने के चक्कर में चीज़ों को छोटा किया है। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ के इस पे आएंगे तब आपको ये फायदा करेगी। तब बार बार आप इसको पढ़िए, आपको बहुत मजा आएगा इस बुक को पढ़ने में। हाँ, इंग्लिश में। और अगर आप नई बुक अब खरीदेंगे तो इस पे एक कोड मिलता है, उसको आप स्कैन करेंगे तो ये पूरी की पूरी बुक ट्रांसफर हो जाती है वीडियो में। ठीक है, तो हाँ, सब बोलते हुए पढ़ाएंगे आपको, ये समझ गए ना? ये तो ये बुक है। तो कितने बुक आपके हो गए, क्लास इलेवंथ फिजिकल ज्योग्राफी, क्लास ट्वेल्थ रिसोर्सेस, क्लास एट्थ की कंटेम्प्रेरी इंडिया और जी सी लियांग। तो दो बुकें हैं, कंटेम्प्रेरी और रिसोर्सेस, इनको समरी बना के आपको चार छः पेज में रख लेना है। रिवीजन में किसको बार बार लेना है, जी सी लियांग और उनको। ठीक है, क्योंकि वो आपका पूरा कवर कर लेगी ज्योग्राफी, जी सी लियांग आपका पूरा एनसीईआरटी रिवाइज करा देगी। क्लियर है? इन्वायरमेंट आ जाओ, ये इन्वायरमेंट क्या बुक याद रखिए, ज्योग्राफी की बुक है, क्लास एट्थ की है एनसीईआरटी। ठीक है, क्लास सेवन्थ की एट्थ की है, देख लेना क्लास, उस चैप्टर का बुक का नाम है आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, हाँ सेवन्थ होगी, देख लेना। ठीक है, आवर एनवायरनमेंट बुक का नाम है, इसको आप देख लीजिएगा। एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही प्यारी बुक है। ठीक है, जितने भी आपके ज्योग्राफी में टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं, घास के मैदान हुए या एटमॉस्फियरिक चीज़ें हुई, ये सब इस बुक को के द्वारा आपका कवर हो जाएगा। क्लियर ना? तो ये बुक आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, लेकिन इस बुक में भी वही करना है कि आपको उसकी समरी निकालनी पड़ेगी।
ठीक है, क्योंकि अभी दो बुकें हम आपको बताएंगे, इसकी समरी निकालनी पड़ेगी। एक जो दूसरी बुक है जिसकी समरी आपको निकालनी है वो ये है, ये बायोलॉजी की बुक है, क्लास ट्वेल्थ की है, लास्ट के 4 चैप्टर ओनली। और ये लास्ट के 4 चैप्टर इतने महत्वपूर्ण हैं, इतना एक्सप्लेनेशन इसका है कि ये मेंस तक के इन्वायरमेंटल सेगमेंट को कवर करते हैं, ठीक है ना, मेंस तक के इन्वायरमेंटल सेगमेंट को ये कवर कर रहे होते हैं, क्लियर है। तो अगर आप वो बुक और इसके लास्ट पीछे के 4 चैप्टर और करंट इन्हीं तीनों को अपडेट कर लेते हैं तो आपका इन्वायरमेंटल सेगमेंट का प्री कम मेंस का भी कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। लास्ट 4 चैप्टर पीछे का बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट में उससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी जो फेवरेट बुक है मैं उसको बोलता हूँ वो ये है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बाई आर राजगोपालन। बहुत प्यारी बुक है ये, बस ये बुक बहुत मोटी है, इसमें बहुत कुछ दिया गया है। इस बुक को अगर आपको पढ़ना है तो इस बुक में डायग्राम बने हैं कि कौन प्री के लिए है, कौन मेंस के लिए है, तो प्री वाला पढ़ना है, मेंस वाला भी छोड़ देना है। और इस बुक के जब ये बुक ख़त्म होती है तो लास्ट में जितने भी प्री के क्वेश्चन उस चैप्टर से आए हैं वो एक साथ इन्होंने कंपाइल करके दे दिया है, मेंस का क्वेश्चन कंपाइल करके दे दिया है, फिर अभ्यास प्रश्न के रूप में आपको क्वेश्चन दे दिया है। और कोई इंपॉर्टेंट घटना अगर हुई है तो उस घटना का पूरा ओरिजिनल कटिंग पेपर न्यूज़पेपर का वहाँ उन्होंने अच्छे से तरीके से डाल दिया कि आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। ये साइंस टेक की, ठीक है, साइंस टेक की ये बुक है, साइंस टेक आपको करंट पर आना ये भूलना मत, और साइंस टेक की बुक के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, एसेंसिया पब्लिकेशंस की आती है, ठीक है, और राइटर हैं गुरविंदर कौर और HS सिद्धू, गुरविंदर कौर और HS सिंधु, ये साइंस टेक्नोलॉजी की बुक है, बस एडिशन देख लेना, ठीक है। तो HS सिंधु साहब को आप लेकर के पढ़ सकते हैं साइंस टेक के लिए, क्लियर है ना। आर्ट एंड कल्चर की 3 बुक है, बैक टू बैक, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट Part 1, Class 11th की NCERT है, लेकिन हमें लगता ये ओल्ड NCERT है, ठीक है, और यही ओल्ड NCERT के नाम पे यही एक NCERT बची है जो मार्केट में बहुत ही मेहनत करके मिलती है इसी फॉर्मेट में। तो एन इंट्रोडक्शन आप टू इंडियन आर्ट Part 1, दूसरा है एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट Part 2, ये Class 12th की NCERT है, ठीक है। तो NCERT 2 है आपके पास, एक है आपका एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट Part 1, एक एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट Part 2। बहुत पतली सी बुकें हैं लेकिन बहुत मटेरियल इसमें है, ठीक है, और ग्राफ के साथ हैं। तो ये दो बुक आप पढ़ सकते हैं आर्ट एंड कल्चर के नाम पे, और आर्ट एंड कल्चर के नाम पे दूसरा ये है कि आर्ट एंड कल्चर के नाम पे एक पुष्पा सिंह विष्ट की बुक आती है, वो आती है मंदिर निर्माण, इन सब पे एक आर्टिकल ही उनका अलग है। देखो एक अजीब सी बात है, लोगों को समझ में पता नहीं आएगी कि नहीं, कि देने जा रहे हैं पीसीएस का एग्जाम पढ़ा रहे हैं इतनी पतली सी बुक। मेरी फेवरेट बुक है, ठीक है, आप करंट अफेयर्स के नाम पे कुछ भी पढ़िए, हमें लगता है करंट अफेयर्स की लगभग 2 मैगजीन तो पढ़नी ही चाहिए आदमी को, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं फिलहाल एक मैगजीन पढ़ता हूँ और वो ये है समसामयिक महासागर, इंग्लिश में आती है currentaffairs.com के नाम से, currentaffairs.com के नाम से आती है। इसकी खास बात मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमें पढ़ना क्या है। खास बात देखिए यहाँ दिख रही है, खास बात ये इसकी ये है, खास बात इसकी ये है कि ये देखो, पहले तो खास बात इसकी ये है कि अगर नवंबर की बुक आई है तो नवंबर का मतलब इसमें मटेरियल कब का होगा, अक्टूबर का। तो अक्टूबर महीने में जितने भी प्रोमिनेंट एग्जाम इंडिया में हुए हैं उन सारे एग्जाम का सॉल्व पेपर आपके सामने ये रख देंगे। तो फायदा क्या हुआ कि पेपर भी मिल गया, उसका सोल्यूशन भी मिल गया, एक्सप्लेनेशन के साथ देते हैं ये, केवल ABCD करके नहीं, एक्सप्लेन करके देंगे। तो पिछले महीने में एग्जाम हुआ किसका, CDS परीक्षा 2019 का, तो CDS परीक्षा 2019 का पूरा पेपर इन्होंने इसमें पब्लिश कर दिया उसका एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक। दूसरा क्या हुआ कि SBI कलर की परीक्षा का हुआ उसका भी उन्होंने पब्लिश कर दिया, तो हमें कलर से मतलब है नहीं, तो हमने क्या किया, CDS वाला पेपर हमें ढूंढना भी कहीं नहीं पड़ा, भटकना भी नहीं पड़ा, और एक्सप्लेनेशन के साथ मिल गया,
हमारा काम तो हो गया, तो हम इसको मॉक टेस्ट के रूप में ले लें या रिवीजन के रूप में ले लें, वो हमारे ऊपर है, क्लियर है ना। तो आपको यहाँ लगभग इसने इन दोनों को मिला करके लगभग सीरियस इनका मिला करके लगभग 200 क्वेश्चन आपसे करा दिया, इसने करा दिया ना। दूसरी खास बात देखो क्या है कि जो अपकमिंग एग्जाम है उसका मॉडल पेपर जारी करेंगे, फिर बाद में मॉक टेस्ट जारी करेंगे। तो जैसे अगला किसका है देखिए, आईबीपीएस पीओ का प्रारंभिक परीक्षा होने वाली होगी, तो उसका इन्होंने पेपर आपको दे दिया विथ आंसर के साथ। फिर देखिए 65वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा होने वाली होगी, तो 65वीं बीपीएससी का पेपर इन्होंने आपको देना स्टार्ट कर दिया। तो जब तक पेपर होगा नहीं तब तक हर महीने पेपर आपके पास आता रहेगा। तीसरा किसकी खास बात है कि सीटेट का एग्जाम हुआ तो इन्होंने इसको दे दिया। अब हमारे काम का क्या है, हमारे काम का ये है 65वीं बीपीएससी, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमें यहाँ से मिल ही जाएंगे, करंट अफेयर्स में तो बिहार का कुछ होना नहीं है। तो हमें क्या हुआ, अगर हम यहाँ देखें तो इन तीनों को मिला करके लगभग 400 क्वेश्चन आपके सामने वो उठा के पटक दिए। तो 400 क्वेश्चन ये और 200 क्वेश्चन वो, 600 क्वेश्चन आपके सामने आया कि नहीं, विथ एक्सप्लेनेशन आया। तो एक महीने में 600 क्वेश्चन आपके पास आ गया, इससे अच्छा क्या है। दूसरा क्या है इनकी खास बात, ये देखो डीप फोकस। डीप फोकस में क्या होता है कि पिछले महीने में जो भी सबसे जबरदस्त मुद्दे रहे हैं उन मुद्दों पे पूरा एक डिटेल एनालिसिस करके आपको प्री कमेंस करके देते हैं। जैसे देखिए भारत रूस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन हुआ होगा तो उस पर इन्होंने पूरा आर्टिकल जारी कर दिया। अमेजान वर्षा वन में मुश्किल में है धरती के फेफड़े, पूरा इन्होंने आर्टिकल दे दिया। सार्वजनिक बैंकों का विलय, पूरा आर्टिकल दे दिया। हांगकांग में राजनीतिक असंतोष, पूरा आर्टिकल इन्होंने जारी कर दिया। क्लियर है ना मुद्दा। तो ये तो जो हो गए जो ऊपर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। फिर इनका चौथा सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो आपको हो गया साल पेपर मिलना, दूसरा मॉक पेपर मिलना, तीसरा डीप फोकस, चौथा मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, विशेष कवरेज, भारतीय चित्रकला की विशेषताएं। तो 2 से 3 पेज में चित्र जो चित्रकला है उससे संबंधित जितने भी एस्पेक्ट्स प्री और मेंस के हो सकते हैं वो सब जारी कर देंगे ये, क्लियर है ना। इसके बाद फिर इसमें जो लिखा हुआ आपको मैं बता दूं इसमें क्या मिलता है, इसमें आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारी घटनाक्रमों का, जैसे और मैगजीन निकालती हैं वैसे यहाँ न्यूज मिलेगी आपको 10-15 पन्ने की, केवल वही न्यूज मिलेंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी हर सेगमेंट की। जब इतना हो जाएगा तो ये 100 क्वेश्चन जारी करते हैं, 100 क्वेश्चन आपको करंट का देंगे, कहेंगे कि जो पिछले आपने पढ़ा है उस पर 100 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, टेस्ट दीजिए, और उसका पीछे एक्सप्लेनेशन नहीं देते, उसका पीछे आंसर वो दिए रहेंगे, आप अपना मिला लीजिए। तो 4, 2, 6 और 100 क्वेश्चन करंट का, और ये करंट का क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड होता है, यूपीएससी के टक्कर का क्वेश्चन इधर देते हैं ये, और प्योर करंट का होता है 100 क्वेश्चन। तो आपको एक महीने में 100 क्वेश्चन करंट के मिल गए करने को, और 100 क्वेश्चन में आपने पूरे महीने भर के करंट कर डाला, तो प्रॉब्लम कहाँ है, हमें यही तो चाहिए, प्रैक्टिस तो करनी है। तो 100 क्वेश्चन इधर करंट के मिल गए तो कितने हो गए, 700 क्वेश्चन आपसे इन्होंने करवा लिया, ये तो मोटा मोटा हो गया। फिर लास्ट में ये 4 पे जारी करते हैं सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का जारी करते हैं, और उसमें वन लाइनर जारी करते हैं, 20 क्वेश्चन देंगे, किसे दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, ये किसके काल में हुआ, ठीक है। और लास्ट में देंगे कि पिछले महीने में किसको पुरस्कार मिला, किस सेक्टर में, किसको खेल में मिला, सब पूरी लिस्ट जारी कर देंगे, इंडेक्स पूरी जारी कर देंगे। तो मेरे लिए अपने आप में ये बहुत अच्छी बुक है, आप एक बार अगर मेरा मानना है तो कहना मानो तो इसको एक बार लेके आप पढ़ो, देखो कि समझ में आ रहा कि नहीं, आपके पास विकल्प खुले पड़े हैं, क्लियर है। दूसरा सी सेट में आपकी हिंदी आती है, हिंदी के लिए आपको ये बुक लेनी है, ये भी पीसीएस के लिए रामबाण बुक है, आदित्य पब्लिकेशन की, आप बुक देख लो, आपको ये लिखनी है, यहाँ वस्तुनिष्ठ लिखा होना चाहिए, कई बार यहाँ सामान्य हिंदी लिख के आता है, एक सामान्य हिंदी आता है, वस्तुनिष्ठ आता है, तो हमें वस्तुनिष्ठ वाला लेना है, क्लियर है। दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन जो मेरा मैं प्रेफर करता हूँ वो शिल्पी पब्लिकेशन का करता हूँ, ठीक है। तो शिल्पी पब्लिकेशन का आपको इसी तरह का दिखाई पड़ता है उनका स्ट्रक्चर। अब एक का मतलब ये है कि ये जीएस का है, 2 का मतलब इसी सेट का है, ठीक है। तो ये दोनों भी आप ले सकते हैं, क्लियर है। और लास्ट में इसका तो कोई जवाब ही नहीं है, कोई जवाब है इसका नहीं है ना। तो जितने भी सब्जेक्ट बुक आपको बताए हैं उन बुकों पे आपको अपनी कोचिंग का यानी कि भूमि आयस का स्टडी मटेरियल भी दिया गया है सब्जेक्ट वाइज, वहाँ से आप भी इसको कवर कर सकते हैं। तो
तो रेफरेंस बुक जो बोलते हैं, रेफरेंस बुक के रूप में आप अपना क्लास नोट्स या जो आपका बुकलेट है अपने भूमि आईएएस की, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ सारी बुकलेट तो मैं पब्लिश कर नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने एक लाइन लिख दिया है कि जितने भी भूमि आईएएस के आपके स्टडी मटेरियल है जो आपको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रिंटेड, उससे आप पढ़ सकते हैं, वो सफिशियंट बुक हैं अपने आप में। क्लियर है? तो ये सारे सेगमेंट रहा, तो हमें लगता है कि बुक लिस्ट से आप लोग संतुष्ट हो ही गए होंगे। ठीक है, धन्यवाद।